आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबकी चहेती बजाज पल्सर आरएस 200 के बारे में। 2,02,000 रुपए ऑन रोड प्राइस आता है। यहाँ पर खड़ी है मेरे पास बाइक के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नया आया है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए। जो बजाज पल्सर आरएस 200 है, काफी टाइम से चलती आ रही है, काफी सालों से चलती आ रही है। इसके अंदर काफी सारे कलर्स आते हैं, अलग अलग यहाँ पर पेंट स्कीम्स और जो है ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग कलर देखने को मिलता है, ये आपको ग्रे कलर के अंदर बाइक देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा बिकने वाला कलर है ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊं, बिकॉज जो नार्डो ग्रे है, उसके बाद जब वो नार्डो ग्रे कलर फेमस होता है, उसके बाद इस बाइक की सेल काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी जितना मैं जानता हूं वहां तक। बाकी यहां पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या नया आया बाइक के अंदर, क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल आप एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लुक के साथ। सो फ्रंट के अंदर जो है आपको कुछ इस प्रकार से लुक देखने को मिलता है। अभी मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि इसका नया वर्जन कब आने वाला है, या फिर कुछ ऐसी बात चल रही है कि नहीं। सो एंड तक आप जरूर मेरे साथ बने रहिए। जो लुक आता है आपको काफी बढ़िया ट्रांसफॉर्मर वाला देखने को मिलता है, बाय प्रोजेक्टर। यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आता है, अगर ये एलईडी हो जाए तो लिटरली अमेजिंग जो है यहाँ पर थ्रो हो जाएगा लाइट का। साथ में एलईडी डीआरएल, एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं, फाइबर पैनलिंग आती है, प्रॉपर ये आपको प्लास्टिक फाइबर पैनलिंग देखने को मिलती है बाइक में, जो कि काफी एक प्रीमियम क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स अगर मैं बात करूं। बाकी यहाँ पर प्राइस के हिसाब से बाइक बहुत बढ़िया है, बिकॉज 2,02,000 रुपये में आपको लिटरली बहुत कुछ देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर। जिस प्राइस के अंदर बाइक आती है, मतलब इससे महंगी तो डेफिनेटली यहाँ पर RC 125 हो जाती है। तो उससे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर RS 200 ले लीजिए। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रंट में व्हील से स्टार्ट करते हैं, 17 इंच का व्हील आता है, 300 mm डिस्कब्रेक आता है, डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आती है, बाइब्री कैलिपर्स आते हैं, हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर, एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी डीआरएल्स, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है एनालॉग प्लस डिजिटल आता है। इस बाइक के अंदर अब नया क्या है, इस बाइक के अंदर आपको गियर इंडिकेटर देखने को मिलता है, इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर है, यहाँ पर जो है आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर देखने को मिलता है बाइक के यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर ही। ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले जो है पहले जैसे ही आता है, उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं है। क्लिप ऑन हैंडल बार्स आते हैं, हैंडल बार्स पर द लेफ्ट विद हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, हॉर्न, पास बटन, राइट साइड में किल स्विच आता है, इग्निशन स्विच आता है, ऑलमोस्ट 13 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। लेटेस्ट बाइक है E20 पेट्रोल वाली, यहाँ से आप जो है इसको ओपन करके फ्यूल भरवा सकते हैं। पल्सर की बैजिंग आती है कुछ इस प्रकार से, फाइबर प्लानिंग आती है, पूरा प्रॉपर जो है आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। साइड में बात कर ले तो साइड में भी आपको पूरी फाइबर पैनलिंग देखने को मिलती है, पैनलिंग बहुत ही एक अच्छे लुक के अच्छे डिजाइन के साथ आती है। 199.5 cc का आता है ये, DTSI ट्रिपल स्पार्क प्लग वाला इंजन है, ऑलमोस्ट बाइक दे देती है माइलेज अगर आप ढंग से चलाते हो 35 km/L का, आराम से 6 गियर आते हैं बाइक के अंदर, बहुत स्मूथ है। बाइक का जो पावर आउटपुट है इंजन का बहुत प्रीमियम है, मतलब मजा आ जाएगा आप ये बाइक चलाओगे ना, आपको एक अलग फील आएगी, एक अलग यहाँ पर आपको है ना एक्सपीरियंस एक अलग है आरएस 200 का। इसलिए ये बाइक इतने साल से चलती आ रही है, इतने साल से हिट है ये बाइक। यहाँ पर सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं, स्प्लिट सीट आती है, स्पेसिंग काफ़ी बढ़िया है, राइडर की पिलियन की ठीक है, रियर से थोड़ी सी यहाँ पर पतली हो जाती है, थोड़ा ब्रॉड हो जाए ना रियर से तो ज़्यादा एक प्रैक्टिकल बाइक हो जाएगी यहाँ पर ऑल टुगेदर। टेल लाइट आपको जो है कुछ प्रकार से देखने को मिलती है, एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं, साइड एग्जॉस्ट आता है बहुत क्यूट सा प्यारा सा, रियर डिस्क ब्रेक 230 mm का आता है, बाइब्रिक कैलिपर्स आते हैं, यहाँ पर 17 इंच का अलॉय व्हील आता है रियर में, एंड टायर अगर आपको देखने को मिलता है रियर के अंदर। कुछ लोग क्या करते हैं ये पूरा पार्ट हटा के यहाँ पर जो है टेल टाइडी करा के यहाँ पर नंबर प्लेट लगवा लेते हैं, तो उसकी वजह से लुक बहुत अल्टीमेट हो जाता है बाइक का। आज 200 की बैजिंग आती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर रियर में आपको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है जो कि, एंड जो स्विंग आर्म है वो आपको एक डिसेंट डिज़ाइन वाला देखने को मिलता है। बाकी गियर शिफ्ट के बारे में बात करूँ, गियर शिफ्ट स्मूथ है, ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ, ब्रेकिंग अच्छी है इस बाइक की पावर के हिसाब से। ये जो वाइजर है इसको चेंज करा के अगर आप बबल वाइजर लगवा लोगे तो बाइक का लुक और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। एंड आर एस 200 जानी जाती है अपने ट्रांसफॉर्मर, अपने शानदार लुक्स के लिए। सो अभी भी जो है ये लुक काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, एंड RS 200 मुझे पर्सनली इस लुक के लिए ही बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगर RS 200 में कभी भी कुछ भी चेंज किया बजाज ने, तो मैं 100% सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ये लुक चेंज मत करना है। यहाँ पर हेडलाइट क्लस्टर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब चेंज कर लेना, बट ये लुक मुझे बहुत प्यारा लगता है टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊँ। बाकी यहाँ पर इस बाइक के अंदर कुछ चीज़ें जो और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं वो ये है कि इसके ब्रेक्स मुझे पर्सनली लगते हैं थोड़े ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। सेकंड चीज़, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत टाइम से एनालॉग प्लस डिजिटल देखते आ रहे हैं, कंप्लीट डिजिटल की बहुत ज़रूरत है अब इसके अंदर। बाकी इंजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इंजन तो इतना मज़ेदार है कि मतलब आप चलाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा ये बाइक चलाते समय। बाकी इसका नया वर्जन कब आने वाला है तो अभी ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारे यहाँ पर न्यू वेरियंट्स लॉन्च किए हैं बजाज ने, तो उम्मीद करते हैं कि जो उनकी हॉट सेलिंग बाइक है आरएस 200, इसके लिए कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, तो इसके साथ शायद वो एक अच्छा लुक के साथ बाइक लाएं।
एंड कब लाएंगे उसके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे हम एंड जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। बाकी आपको अभी ये वाली बजाज पल्सर RS 200 कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख आ रहा है थॉट फ्रॉम स्कूल 9 में हैंडल है। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक्स फॉर कार्ड, सी यू नेक्स्ट, बाय बाय।